ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज बच्चों हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे मैनेजमेंट का नेचर क्या है। ओके, तो मैनेजमेंट का जो नेचर है वो इस प्रकार है। मैनेजमेंट को साइंस का भी नेचर मानते हैं, मतलब उसका स्वभाव साइंस जैसा भी है, उसका स्वभाव आर्ट जैसा भी है, उसका स्वभाव साइंस और आर्ट दोनों जैसा है, और उसका स्वभाव प्रोफेशन जैसा है। अब सवाल उठता है कैसे पता लगेगा कैसा है। तो बच्चों इनकी जो साइंस की जो फीचर्स होंगे ना, उनको देख के पहचानेंगे हम ये साइंस लग रहा है, या फीचर्स देख के पहचानेंगे आर्ट्स दिख रहा है, या फीचर्स देख के पहचानेंगे दोनों लग रहे हैं, या फीचर्स देख के पहचानेंगे प्रोफेशन लग रहा है। राइट बच्चों, चलते हैं आगे। मैनेजमेंट एज अ साइंस कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स, क्यों है उसके की रीजंस। तो अगेन चौपाई याद कर लीजिए, UPS मैनेजमेंट एज साइंस, UPS। यू से यूनिवर्सल वैलिडिटी, पी से प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एस से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बात करते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या होती है। तो बच्चों यूनिवर्सल वैलिडिटी में क्या होता है, कोई भी चीज़ जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक पूरे प्रकार से साइंस नहीं है वो, क्योंकि वो एग्जैक्ट पूरे पूरे एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए वो यूनिवर्सल तो है, सब जगह एप्लीकेबल तो है, ठीक है। जिस तरह साइंटिफिक प्रिंसिपल एग्जैक्ट है, उतने वो एग्जैक्ट नहीं है, पर फिर भी वो पूरे सभी जगह यूज होते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया यूनिवर्सल वैलिडिटी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, लिखा है पी। पी से क्या, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो रातों रात नहीं बने हैं। कोई भी प्रिंसिपल बना है जो मैनेजमेंट का, उसको सबसे पहले क्या किया, टेस्टिंग की गई है, उसको लागू किया गया है, और किससे किसके ऊपर लागू किया है। बच्चों प्रिंसिपल जो होता है ह्यूमन बींग्स पे ऊपर लागू होता है, उनके बिहेवियर्स पे लागू होता है, और क्योंकि वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कंडीशन हो जाती है, तो ये जो फीचर है ये पूरा हम ये कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट के ऊपर लागू नहीं होता। तो कहने का मतलब है यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है वो 100% साइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 50-50 है। सेम ऐसे ही प्रिंसिपल और बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन भी 50-50 है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, एस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, इसमें ऐसा होता है बच्चों कि साइंस जो है वो नॉलेज से प्राप्त होती है, सेम वैसे मैनेजमेंट भी एक नॉलेज है। अगर हम अच्छा मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमें अच्छा एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम काम कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है साइंस का कि भाई साइंस भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो ये एग्जैक्ट, तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, ये एकमात्र फीचर है जो 100% साइंस के लिए एप्लीकेबल होता है, कि ये चीज साइंस में भी है तो ये चीज मैनेजमेंट में भी है। पर अगर हम यूपीएस में यूपी की बात करें तो 50-50 है। ओके बच्चों, तो अब हम फाइनली ये कह सकते हैं कि 3 फीचर में से 2 फीचर साइंस के मैच नहीं होते, 1 फीचर मैच होता है। चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन आता है क्या मैनेजमेंट एग्जैक्टली साइंस है क्या, तो आप लिखोगे 3 फीचर में से 1 फीचर कहता है साइंस है, 2 फीचर कहते हैं साइंस नहीं है। थैंक्स बच्चों, टॉपिक खत्म, चलते हैं आगे। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अब आर्ट क्यों है, कुछ फॉलोइंग रीजन आप देख सकते हैं। तो चौपाई याद कर लो, BPS, ठीक है, बेटा पढ़ ले स्कूल में, बी मतलब बेटा, पी मतलब पढ़ ले स्कूल में। तो भैया पहले क्या तूने चलाया, UPS, वो क्या थी, साइंस। भाई साइंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जाते हैं बच्चे, क्या चलाएंगे, बिजली तार, तो क्या चलाएंगे, UPS। तो याद हो गया UPS साइंस में UPS। अब साइंस वाला बच्चा अगर नहीं लेगा साइंस तो पढ़ेगा नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, पढ़ ले बेटा स्कूल में। तो पढ़ ले मतलब बेटा, पढ़ ले स्कूल में, बी से बेटा, पी से पढ़ ले, एस से स्कूल। तो चौपाई याद कर लो, आर्ट, BPS। बी की बात करें, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी। पी की बात करें, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। एस की बात करें, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। चलिए बात करते हैं बी, बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है। भाई सीधी सी बात है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, यहां पर बात आती है आर्ट क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसकी थ्योरी हमें नॉलेज के रूप में मिलती है, काफ़ी सारी बुक्स में हम पढ़ते हैं, जैसे म्यूजिक में मिलती है, फिर उसको हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस में उसको लागू करते हैं। क्योंकि आपने देखा मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, POSDC, तो POSDC आपको लागू करना पड़ता है, पहले P, फिर O, फिर S, फिर D, फिर C। इसका मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट के रूप में काम करती है, उसकी थ्योरी नॉलेज मिलती है, उसको हम लागू करते हैं। जैसे म्यूजिक एक आर्ट है, उसके नोट्स मिलते हैं और म्यूजिक हम सीखते हैं, उसी बेस पे हम ये कह सकते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी।
सो ये फीचर्स जो आर्ट का है वो 100% मैनेजमेंट का है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सीधी सी बात है, आर्ट में थ्योरी नॉलेज इनफ नहीं होती, आपके खुद की पर्सनल स्किल, आपकी क्रिएटिविटी दोनों मिला के आप नॉलेज भी अप्लाई करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पर्सनलाइज एप्लीकेशन मतलब होता है आपके पर्सनली जो स्किल होती है, आपका जो बिहेवियर होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है, आपकी जो माइंड की क्रिएटिविटी होती है, वो आपके वर्क में दिखती है। क्योंकि आप नॉलेज लेने के बाद उसके अंदर आप अपनी नॉलेज के अंदर क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो जैसे म्यूजिशियन होता है, वो रागास राग गाता है तो वो उसकी अपनी प्रैक्टिस पे करता है ना, उसको पता लग जाता है नोट से कैसे गाने। तो पर्सनल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेम ऐसे मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको आर्ट का एग्जांपल दिया, अब मैनेजमेंट की बात करें, सारे मैनेजर्स थ्योरी लर्न करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ सारे मैनेजर्स एमबीए करते हैं, है ना, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एमबीए वो भी करते हैं, पर उनकी इफिशियंसी, काम करने की जो क्षमता होती है, वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग अपनी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे उसको क्रिएट करें, कैसे उसको अप्लाई करें। तो हम ये कह सकते हैं जो ये फीचर है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ये आर्ट में भी होता है, क्योंकि आपको ढंग से आपको रागाज में गाना गाना है। सेम ऐसे आपको मैनेजमेंट की स्किल सीखने के बाद कैसे मैनेज करना चीज़ों को, ये आपके पास कला होती है, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती है। तो ये दोनों मतलब BPS में, बी मतलब बेटा, पी मतलब पढ़ ले, तो बेटा पढ़ ले ये आर्ट में भी है, और बेटा पढ़ ले ये किसमें, मैनेजमेंट में भी है। अब बात करते हैं ऐसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यही कहूंगा। अच्छा, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मैंने आपको बता ही दिया है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी वाला जो पॉइंट है पहला, उसमें आर्टिस्ट को क्या करना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब, अच्छा चल रहा होगा पढ़ाई, चालीसा में आप सबका स्वागत है। अच्छी तरह चौपाइयां याद कर रहे होंगे बच्चों। एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सुने आप सब लोग, मेरे यूट्यूब चैनल का जो बिजनेस का जो चल रहा है चैप्टर, उसका स्टेटस लगा सकते हैं। मैं कोई आपको इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके परिवार में कोई और भी होगा जो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, चैप्टर लमसम सारे सेम है, चाहे CBSE हो, ICSE हो, अदर बोर्ड्स हो। मैं चाहता हूँ उन बच्चों का भी भला करे जिनको ये नॉलेज नहीं है कि हम कहाँ पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात, ट्यूशन का पैसा बहुत लगता है, वो बच जाएगा। तीसरी बात, टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो बच जाएगा, और उस बच्चे की भी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी, और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज सब अपना अपना पढ़ रहे हैं। तो बच्चों प्लीज़ आप स्टेटस भी लगाया करें। चलो आज बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट, दोनों है साइंस और आर्ट। क्यों? तो भैया साइंस की दो बातें पूरी पूरी मिलती है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल जो बने हुए हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे बने हुए हैं। अगर हम आर्ट की बात करें तो तीनों पर, BPS बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये दोनों ही चीज़ें शामिल है। आर्ट तो पूरा शामिल है जबकि साइंस के दो पॉइंट शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो दोनों है। तो कंक्लूजन निकलता है कि दोनों क्यों है, तो आपको ये कहना पड़ेगा दोनों इसलिए है बिकॉज साइंस के दो प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं, ओके, दो फीचर्स एप्लीकेबल हैं, और आर्ट के तीनों फीचर एप्लीकेबल है। तो कुल मिला के ना तो ये पूरी साइंस है ना ये पूरा आर्ट है, क्योंकि कुछ साइंस का हिस्सा भी है, कुछ आर्ट की है, तो दोनों मिला के मिक्सचर है। तो हम कह सकते हैं ये साइंस और आर्ट दोनों है। क्वेश्चन आता है हाउ इट इज, तो देन यू हैव टू राइट दीज फीचर्स, 2 फीचर्स ऑफ साइंस एंड 3 फीचर्स ऑफ आर्ट। तो मैं कह सकता हूँ आपको UPS PS वाला साइंस का लिखेंगे और BPS आर्ट का लिखेंगे। तो फाइनली ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैसे हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के लिए मैं एक बात कहूँगा, प्रोफेशन क्या होता है बच्चों, प्रोफेशन CA कह लो, डॉक्टर कह लो, दीज आर प्रोफेशंस। आपने पढ़ चुके हैं क्लास 11 में प्रोफेशन क्या होता है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और ट्रेनिंग मिली भी होती है, आपको सर्टिफिकेट मिला होता है, डॉक्टर को मिला होता है, CA को मिला होता है। सेम वैसे मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो उसके लिए आप चौपाई याद करें, स्वीपर। अरे भाई बुरा मत मानो, स्वीपर बोल नहीं रहा हूँ, पॉइंट है ना, टेंशन मत लो, स्वीपर। अब बच्चे बोल रहे हैं सर ये PAR पर, अरे छोड़ो ये व्हाट्सअप लैंग्वेज है,
तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन याद कर लो बच्चों, स्वीपर स्वीपर स्वीपर, एस से क्या है सर्विस मोटिव, डब्ल्यू से क्या है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ई से क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, पी से क्या है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, और आर से क्या है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो ये सारे बच्चों हो गए स्वीपर के पॉइंट। तो लेते हैं पहला पॉइंट। तो पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रोफेशन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों है, बिकॉज प्रोफेशन क्या होता है उसमें एक प्रोफेशन को हम ये कह सकते हैं, प्रोफेशन भी एक ऑक्यूपेशन है जिसमें आपकी नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है, और कुछ लोग ही उसमें जा सकते हैं। जैसे सीए है, हर कोई सीए नहीं बनता, डॉक्टर हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, उसके लिए एग्जाम होता है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप ट्रेनिंग लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो फाइनली वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट एंट्री है ना। चलते हैं बात आगे करते हैं, फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव में हम क्या बात करेंगे, तो यार सीधी सी बात है, प्रोफेशन जो होते हैं ना वो सर्विस किसको देते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं बड़े डेडिकेशन से। भाई डॉक्टर होता है वो अपने मरीज को चाहता है अच्छे से ठीक हो जाएगा, तो अपने आप प्रचार करेगा चार लोगों के, भैया मेरा डॉक्टर साहब ने इलाज किया मैं ठीक हो गया। तो मैनेजमेंट का जो पर्पज़ है ना वो बेसिक पर्पज़ क्या है मैनेजमेंट का, कि भाई हमारा गोल अचीव हो जाए। जैसे मान लो एक संस्था चाहती है क्या कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा हो, तो अगेन मैनेजमेंट का गोल क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रोफेशन का जो मोटिव है वो सर्विस देना है, जबकि बिजनेस का जो गोल है प्रॉफिट बढ़ाना है। ओके, लेकिन आज की तारीख में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही, प्रॉफिट को बढ़ाना ही बिजनेस का एकमात्र गोल नहीं रह गया है, ये भी रह गया है कि मार्केट में हम कितने समय तक सर्वाइव करेंगे। तो एक बिजनेसमैन का जो है वो भी, एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं समाज के उद्देश्य और इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को भी क्या करूँ, पूरा करूँ। खाली आपको पैसा कमाना ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज में मैंने क्या किया और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मैंने क्या क्या फिल किए ये भी देखना पड़ता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो फीचर प्रोफेशन का है वो नहीं है प्रेजेंट, बट लेकिन आने वाले टाइम में वो इंक्लूड हो सकता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, सर्विस मोटिव जो प्रोफेशन का फीचर है वो अभी मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो हो सकता है। सो फाइनली वी कैन से सर्विस मोटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, एज बिजनेस इज कम्प्लीटली इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज बीइंग अंडरटेकन टू जनरेट प्रॉफिट। ओके, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है। तो भैया प्रोफेशन क्या होता है, उसमें प्रैक्टिस होती है ना, किसकी, जो भी हम चीज़ सीखते हैं। जैसे डॉक्टर है तो आप मान लो आप हड्डियों के डॉक्टर है तो आप हड्डियाँ जोड़ना और सीखते हैं ना, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जो होते हैं वो लोग, जो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग आते हैं हेल्प, बड़े डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो वो काम क्या कर रहे हैं, वहाँ कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है, कुछ स्टाइपेंड मिलता है थोड़ा पैसा, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। ओके, तो प्रोफेशन में क्या होता है, प्रैक्टिस होती है। तो प्रोफेशनल जो होते हैं उनको एक नॉलेज होती है कैसे हड्डियाँ जोड़नी है, और वो आगे उन काम को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सेम ऐसे मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर भी एक बॉडी ऑफ नॉलेज तो होती होती है, नॉलेज क्या करना है कैसे करना है। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने उसके बारे में काफ़ी चीज़ लिखी है, कैसे सिचुएशन आप हैंडल करेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल आप वहाँ पर लगाएंगे उन सिचुएशन को टैकल करने के लिए, वहाँ भी प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। तो प्रेजेंटली हम ये कह सकते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के फीचर्स की, ये जो फीचर है प्रोफेशन का वो हमारा प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो दिस इज प्रेजेंट, इसका मतलब 100% दिस इज द फीचर ऑफ प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 2, स्वीपर में डब्ल्यू इज बीइंग प्रेजेंट इन द व्हाट, मैनेजमेंट के पार्ट है, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है इसको पहले समझें, भाई जो भी प्रोफेशन में लोग होते हैं, जैसे हम डॉक्टर की बात करते हैं, उनके कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, मतलब उनके कुछ हम कह सकते हैं सेट गाइडलाइंस और रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही काम करना पड़ता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट भी कुछ अपने एथिकल बिहेवियर्स, मैनेजर्स की गाइडलाइंस जारी करता है जो कि उनको फॉलो करती है। ऑल इंडिया एसोसिएशन मैनेजमेंट आईमा एक संस्था है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है मैनेजर्स के लिए, वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये लीगली नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना मैंने, ये लेकिन ये लीगली नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनके आईमा के रूल्स फॉलो करें, हम अपनी खुद के बिजनेस के खुद के रूल्स बना सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, उनके लिए आपको पता होगा IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रूल्स बने हुए हैं। सो ये हम कह सकते हैं ये जो फीचर है एथिकल कोड्स वाला, ये कम्प्लीटली हमारे मैनेजमेंट में लागू नहीं होता, लेकिन ये आने वाले टाइम में हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, अभी मैनेजर्स लोग हैं ना,
रूल्स नहीं होते तो अपना खुद का बना लेते हैं, उससे एम्प्लॉयज को दिक्कत होती है। लेकिन हम डॉक्टर की बात करें, अगर आपने कोई केस बिगाड़ दिया, किसी डॉक्टर ने कोई केस बिगाड़ दिया, यू कैन गो टू कोर्ट एंड यू कैन आस्क इंक्वायरी कर सकते हैं। बट मेरे कहने का मतलब है कि उसको छोड़ो डॉक्टर को, मेरा कहने का मतलब प्रैक्टिकल आप समझिए, जैसे कोई, मैं ये कहूँगा कि कुछ ना कुछ रूल्स बने हुए होने बहुत ज़रूरी है। रूल से क्या होता है कि मैनेजमेंट अच्छा हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने रूल्स बना रखे थ्रू आउट इंडिया, बट मैनेजमेंट ने ऐसा रूल्स थ्रू आउट इंडिया नहीं बना सकते हैं। हाँ, IMA एक संस्था है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, वो बना तो रही है लेकिन वो 100% भी एप्लीकेबल नहीं है। तो फाइनली वी कैन से एथिकल कोड इज नॉट एप्लीकेबल। अरे क्या आदमी है तो ये। ओके बच्चों, बात चल रही थी एथिकल कोड्स की, एथिकल कोड्स खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, जिसका नाम है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। आज ये एसोसिएशन क्या होती है, सबसे पहले इस बात को समझें। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक संस्था है जहाँ पर सारे डॉक्टर्स रजिस्टर्ड होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जहाँ पर भी सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं जो लॉयर होते हैं। तो प्रोफेशन में तो ऐसी संस्थाएं हैं, CA के भी है, आपको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो संस्था जो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करती है, यू आर नाउ कंप्लीट CA, यू आर अ लॉयर और यू आर अ डॉक्टर। तो दीज एसोसिएशन गिव यू अ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और यू कैन से अ चार्ज दैट यू आर अ कंप्लीट नाउ डन यू हैव अ प्रोफेशनल कोर्स एंड यू आर नाउ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड CA। सो फाइनली हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट में जो है वो ऐसी संस्थाएं कम ही हैं। हालांकि है एथिकल कोड्स रूल्स बनाने वाली संस्थाएं हैं, जैसे IMA दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कोलकाता में है, लेकिन लीगली ऐसा कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स की उनके रूल्स बनाए में फॉलो करें। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ प्रोफेशनल एसोसिएशंस की जो कमी है वो अभी 100% एसोसिएशंस जो है वो एक तरीके से मैनेजमेंट में लागू नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकती है। बात करते हैं आगे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होती है बच्चों। भाई सीधी सी बात है, हर कोई नहीं आ सकता है। तो प्रोफेशन की बात करें, क्या हर कोई डॉक्टर बन सकता है? नहीं, ही नीड टू हैव अ डिग्री ऑफ MBBS। तो लेकिन देर इज़ नो लीगल रेस्ट्रिक्शन, अगर मैं कहूँ कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसके, कि भाई आप मैनेजमेंट में अंदर मैनेजर कौन बनेगा या उसकी एजुकेशन क्या है या वो पढ़ लिख के बनेगा या पापा जी की राजगद्दी है बेटा बैठ जाएगा, इस तरीके से चीज़ें नहीं हैं। सो प्रेजेंटली रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी मैनेजमेंट में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगी। तो फाइनली मैं कहूँगा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अब आप देख सकते हैं सर्विस मोटिव की बात करें तो मैं नो लिख रहा हूँ, नहीं है, मतलब ये फीचर जो प्रोफेशन का है वो मैनेजमेंट में नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज 100% जो ये प्रोफेशन का है वो मैनेजमेंट में है। एथिकल कोड्स की बात करें तो ये नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में सून हो जाएगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करें तो ये 100% नो नहीं है, कुछ नो है, जैसे मैंने बताया IMA है दिल्ली में, NIPM कोलकाता में संस्थाएँ हैं जो एथिकल, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं जो कि रूल्स को बनाती हैं। सो ये भी 100% नहीं है, तो इसको मैं गोला लगा रहा हूं। अब हम बात करें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, तो हर कोई एंट्री मार नहीं सकता क्योंकि बिजनेस, जैसे मैनेजमेंट के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना, कि कोई भी बन सकता। तो ये भी आपका फीचर जो है किसका, प्रोफेशन का, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो फाइनली बच्चों आज हमने क्या कवर किया है, आज हमने जो कवर किया है वो ये है, मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है बिकॉज साइंस के दो फीचर्स एप्लीकेबल हैं जबकि आर्ट के तीनों फीचर्स एप्लीकेबल है। आगे बात करते हैं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन के पांचों पॉइंट पढ़े आपने स्वीपर में, सर्विस मोटिव, वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इनमें से मात्र एक सेकंड जो 100% एप्लीकेबल है। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ। आज तक के लिए इतना ही बच्चों, टेंशन मत लो, मुझे पता था थोड़ा सा ये बोरिंग टॉपिक था साइंस आर्ट वाला, लेकिन चिंता मत करो अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरे साथ बने रहिए बच्चों, लेट्स डू कमेंट्स में, बिजनेस की पूरी गारंटी है, एक से एक शानदार केस स्टडीज भी करेंगे। तब तक चौपाइयाँ पढ़ते रहिए, रोज़ सोने से पहले आप सारी चौपाइयों को लिखते जाइए, स्टिकर रूपी अपने बेड की वॉल पर चिपकाइए और आप उनको सोने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपके जीवन में
जब एग्ज़ाम की तारीख आएगी उससे पहले आप जब आंख बंद करेंगे तो आप 2 घंटे में पूरी बुक का रिवीजन ले सकते हैं, क्योंकि सारी चौपाइयाँ आपको कंटेस्ट हो जाएगी। और मैं वादा करता हूँ, अगर चौपाई कंटेस्ट है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप केस स्टडी में उसके बारे में मैं विस्तार रूप से एग्जाम्पल देता हूँ, और बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको कहानी रूपी चीज़ें याद रहेगी और आप अपने आप ढूंढ लेंगे कि ये बात कहाँ की हो रही है, किस चैप्टर की हो रही है और किस टॉपिक की हो रही है। बच्चों, तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, स्टेटस लगाइए बच्चों, दूसरों का भला कीजिए, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए और उनको भी बताइए कि बी एस राजपूत सर का वीडियो ज़रूर देखें। तो मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।